तो गाइज यहां पे मेरे पीसी को स्लो कर रहा है मैकेफी एंटीवायरस। और अगर आपके पास भी ये है, अभी कुछ देर पहले मेरे सीपीयू में 100% यूज कर रहा था, ये कंप्यूटर में दिखा रहा था, मैंने टास्क मैनेजर को खोल रखा है और यहाँ पे मैकेफी एंटीवायरस बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहा है मेरे सीपीयू प्रोसेस को। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है गाइज, अगर आपका ट्रायल एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, आपको सिंपली जाना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में। वहां पे जाने के बाद आपको मैकेफी को करना है क्लिक और उस पे जाके उसको कर दीजिए आप अनइंस्टॉल। अगर आप देखो, इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपको कोई ना कोई एंटीवायरस डालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट विंडोज, अभी मैं 11 यूज कर रहा हूँ तो उसमें विंडोज डिफेंडर है, तो वो आपका प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक थर्ड पार्टी एंटीवायरस रखे और मैकेफी जितना स्लो ना करे। मैं यहाँ अनइंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सिस्टम में मैकेफी स्लो कर रहा है, जरूरी नहीं है आपके सिस्टम में करे। मगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, जैसे कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो कर रहा था, एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करता हूँ मैं, तो वहां पे ये मैकेफी एंटीवायरस मेरे प्रोसेस को स्लो कर रहा था और पूरा का पूरा सीपीयू, यानी कि 100% सीपीयू को ये कंज्यूम कर रहा था। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैकेफी एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, आप इसके दो प्रोसेसेस आते हैं, एक मेन प्रोसेस है, एक सब्सिडियरी प्रोसेस है, तो दोनों को आपको अनइंस्टॉल करने। और अब जैसे जैसे देखेंगे कि टास्क मैनेजर में इसका सीपीयू का जो ऑक्यूपाई करने का परसेंटेज है वो सही हो जाएगा। नहीं तो इससे क्या, मेरे जब भी मैं बिल्ड करता था अपने सॉफ्टवेयर को, जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, तो ये बहुत ही ज्यादा खाता था, पूरा का पूरा स्पेस खा लेता था। इसलिए बेटर है कि अगर आप इसका फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं तो इसको आप अनइंस्टॉल कर दें, बिकॉज हर एक फाइल को ये स्कैन करता है और उसको अपने सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करता है, जो कि अच्छी भी चीज है। इसको लगता है कि कहीं वायरस ना हो, तो इस तरह की चीज जो है ये स्कैन करता है। बट इसका इसके साथ नुकसान ये है कि ये आपको स्लो कर देगा। तो गाइस इससे बचे आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिएगा।